फ्रेंड्स, ये है ताजे ताजे जामुन जो अभी मैं लेके आई हूँ हमारे बागीचे से। तो देख सकते हैं आप कितने सारे जामुन मैंने लाए हैं। तो अब हम इसे प्रिजर्व कैसे करते हैं इसे देखेंगे। तो प्रतीक्षा किचन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इन जामुन का जैम। और जामुन जो होते हैं वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायी होते हैं। सिर्फ जामुन का फल ही नहीं तो इसके बीज पे हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। तो ये बहुत कम समय के लिए टिकते हैं, इसलिए आज हम इसको देखेंगे किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जामुन को एक टोकरी में लेके धो लेंगे और जामुन को ही साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। इससे पहले सबसे जरूरी है जो जामुन अच्छे हैं, यानी कि जो टूटे हुए नहीं हैं या खराब नहीं हुए हैं, ऐसे जामुन ही हमें लेने हैं। और जो थोड़े से ज्यादा पके हुए हैं उनको हम हटा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने जामुन लिए हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जामुन हैं वही हम लेंगे जैम बनाने के लिए। और अब हम इसे इस तरीके से चाकू से कट करके लेंगे और इसका जो पल्प है वो सारा इकट्ठा करेंगे। इसके बीज हमें फेंकने नहीं है, बीज का भी हमें इस्तेमाल करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरीके से सारे जामुन मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जामुन का पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब लगभग ये होने को आया है तो इसे अब हम मिक्सी में से चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बड़ा बाउल भर के मैंने जामुन का पल्प निकाल लिया है। आप देख सकते हैं जो अच्छे वाले जामुन थे वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जामुन का जैम जो है वो हमें काफी दिनों तक स्टोर करके रखना है। तो इसे अब हम मिक्सी जार में डाल के और इसको पीस लेंगे। तो चलिए देखते हैं। वाओ, कितना सुंदर इसका कलर है। तो देखिए, आप भी इसे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। और एक बार में मैंने इसे पीस लिया है, काफी अच्छे तरीके से मैंने पीसा है, बिल्कुल भी इसमें दाने दाने या फिर छिलके नहीं रहे हैं। तो अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। पहले ये सेकेंड लॉट भी मैंने निकाल लिया है, इसे भी मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसे भी मैं इस बाउल में निकाल लूंगी। जामुन बहुत जूसी होते हैं, इसलिए जामुन को पीसने के लिए हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे तरीके से साइड में कर ले और पल्प को ही हमें पीसना है। पीसते समय इसमें हमने ना ही चीनी मिलाई है और ना ही पानी। देखिए फ्रेंड्स, जामुन का पल्प हमने निकाल लिया है और अब हमें जैम बनाने के लिए इसे कुक करना होगा। तो कुक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन। नॉनस्टिक पैन ले और इसे अब हम पकने के लिए रख दें। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे जामुन का पल्प। ये बहुत ज्यादा चीटे उड़ाता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए ताकि आपको चोट ना लगे। मीडियम आंच पे मैं इसे कुक कर रही हूं इस तरीके से। ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चीनी। अब मैं पैन को थोड़ा सा ढक के कुक करती हूँ ताकि इसके जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर ना उड़े। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम बना रहे हैं जामुन का जैम। तो जैम पकते हुए करीब करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और ये अब काफी ग्लॉसी हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शाइनी ये जैम बन गया है
और बस अब हम इसे एज एन प्रिजर्वेटिव बोल के इसमें मिलाएंगे लेमन का जूस। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू का जूस लिया है, इसे अब हम ऐड कर देंगे ताकि ये काफी समय तक टिका रहे। तो इसे मैं दोबारा से चलाऊंगी और बस 5 मिनट तक अब हम इसे कुक होने देंगे। कुक होने के बाद में इसे बंद कर देंगे। इससे पहले कि हमारा जैम बन के तैयार हो जाए, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। स्पेशली जो बच्चे जामुन खाना नहीं पसंद करते, उनके लिए ये रेसिपी तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये काफी उछल रहा था पकते समय, इसलिए जो पैन है वो काफी मेसी हो गया है। आप देख सकते हैं ये पैन काफी मेसी हो गया है। तो अब आपको और एक बात बताना चाहूंगी, अब कोई भी जैम जब आप बना रहे हो तो उसे कैसे पता चलता है कि ये जैम बन गया है, तो अभी मैं आपको उसका टेस्ट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैम पक गया है। ये देखने के लिए जो टेस्ट मैंने आपके बताई थी, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, नॉर्मल कोई भी प्लेट आप ले सकते हो। ये प्लेट पे हम इस तरीके से इसका एक ड्रॉप डालेंगे, और ये ड्रॉप आप देख सकते हैं ये स्टिक हो चुका है, ये बिल्कुल नहीं फ्लो हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा जूसी रह जाता तो ये फ्लो हो जाता था। तो आप देख सकते हैं ये स्टिक हो चुका है, इसका मतलब जैम बनके तैयार हो चुका है। तो जो मैंने पल्प लिया था वो काफी सारा था, जैसे कि 1 केजी के बराबर ये पल्प था, और इसलिए इसे कुक होने में मुझे 25 मिनट लग चुके हैं, और अब ये जैम जो है वो बनके तैयार हो चुका अगर है। आप मुझसे और किसी जैम बनाने की रेसिपी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।